सभागार में उपस्थित सभी देवियों और सज्जनों को सादर नमस्कार व शुभ संध्या। मीडिया नई सुबह की तरफ से मैं जितेंद्र और मेरी साथी ऋषि सिंह आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। अपनी उपस्थिति से आज के आयोजन को शोभायमान करने के लिए मैं आप सभी से निवेदन करूंगा कि अपना स्वागत अपनी ही जोरदार तालियों से करें। आपके स्वागत में कुछ शब्द एक शेर के रूप में कहना चाहूंगा। सुनी जो उनके आने की आहट, गरीब खाना सजाया हमने, कदम मुबारक हमारे घर पे, नसीब अपना जगाया हमने। बहुत गौरव का विषय है हमारे लिए कि हमारे बीच आदरणीय मंत्री जी श्री भानु प्रताप वर्मा जी उपस्थित हैं। ऐसी विभूतियों की उपस्थिति हमारे बीच होना न केवल हमारे लिए प्रेरणा का स्रोत बनती है बल्कि हमारा मार्गदर्शन भी करती है। अपनी परंपरा का निर्वाह करते हुए आज के कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलन से करेंगे। मैं निवेदन करूंगा हमारे मुख्य अतिथि भारत सरकार के केंद्रीय मंत्री श्री भानु प्रताप सिंह वर्मा जी से कि वो मंच पर आए और दीप प्रज्वलन का कार्यक्रम शुभारंभ करें। श्री हमवीर जी कृपया मंचासीन हो। हमवीर जी आइए सर। सो मा ज्योतिर्गमय असतो मा सद्गमय मृत्युर्मामृतं गमय। ओम सदाचार्य उपनिषद महाज्योतिर्गमय हैदम महालक्ष्मी वाष्पपतये नमः दियो प्रतिशामि सर्वनामा विज्वलते महामाया नमः। ओम महाहूसु गौरी नारायणी नमस्तु रक्षते महातस्मै नमः श्री आदित्य महादिर्गो प्रमोषये नमः। हे मां हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाएं, असत्य से सत्य की ओर ले जाएं, मृत्यु से अमृत की ओर ले जाएं। सभी उपस्थित जनों से निवेदन कि दीप प्रज्वलन का स्वागत अपनी तालियों से करें।
ऐसी प्रार्थना है और कामना है कि माँ सरस्वती की कृपा हम पर बनी रहे, निरंतर बनी रहे। हमारा सौभाग्य है कि मुख्य अतिथि के रूप में आज हमारे बीच परम आदरणीय श्री भानु प्रताप सिंह वर्मा जी विराजमान हैं। मैं आचार्य श्री प्रेम भाटिया जी और श्री हमवीर सिंह जी से निवेदन करूंगा कि पुष्पगुच्छ के साथ, गौशाला के साथ और ट्रॉफी के साथ श्री भानु प्रताप सिंह जी का स्वागत करें। पंडित गोविंदर जी a brief introduction of our esteemed guest Shri Bhanu Pratap ji. Kendriya Sukshma evam Laghu Udyog Rajya Mantri Shri Bhanu Pratap Singh Varma ji ka rajnitik kan Bundelkhand bhasha mein kafi uncha hai. 5 baar ke sansad 65 varsh Shri Bhanu Pratap Singh ne vartman mein आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब मीडिया नई सुबह समूह आपके आसपास के अलावा देश और दुनिया की समसामयिक राजनीतिक और सामाजिक घटनाओं का समूचा प्रताप सरल से सरल शब्दों से पेश करने में पूरी तरह कुशल है। 2013 से अपनी अनुपम सेवा दे रहा है। मीडिया नई सुबह समूह देश में भ्रष्टाचार को मिटाने की दिशा में भी अपना हर संभव सहयोग देने की कृतज्ञ संकल्पित है। कोरोना के क्रूर काल में बाद बेरोजगार हुए कुछ मीडिया कर्मी भी इस समूह में अपनी सेवा दे रहे हैं। हमारा मकसद है कि देश के कोने कोने से भ्रष्टाचार को मिटाया जाए और ज्यादा से ज्यादा लोगों को रोजगार दिया जाए। इस क्षेत्र में भी काफी लोग रोजगार की उम्मीद लगाए हुए हैं, तो जितना हो सके समाज के लिए अच्छे काम करने के लिए हम हमेशा तैयार रहते हैं और आगे भी ऐसे करते रहेंगे। आप सभी का प्यार सम्मान हमें मिलता रहेगा। हम इसी तरीके से पूरे देश में धीरे धीरे सक्रिय हो रहे हैं। हमारा मीडिया नई सुबह कई राज्यों में जा चुका है और हमने 2013 में छोटी सी मासिक पत्रिका से शुरू की थी। आज हमारा दैनिक समाचार पत्र भी है और डिजिटल चैनल भी है, तो धीरे धीरे हम पकड़ बना रहे हैं मीडिया में। जो लोग हर खबर को ना चलाते हैं, हर छोटी बड़ी खबर को भी पब्लिक के बीच में ला करके जो उनकी कमियां हैं समाज में, उन कमियों को दूर करने का प्रयास करते हैं खबरों के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से। यही हमारा काम है और यह काम हम रेगुलर जारी रखेंगे। हर संभव कोई भी भारत में कहीं पर भी हमें फोन कर सकता है, हमारा नंबर गूगल पे है। कोई भी कैसी भी परेशानी हो किसी अधिकारी से किसी से भी, हम हर समय उनकी मदद करने के लिए तैयार हैं। जय हिंद जय भारत। तालियों की कमी ना पड़े। इसी कड़ी में से सम्मान बराबर होता है। इस कड़ी में अगला नाम है सुश्री नीमा भगत जी का, कृपया मंच पर उपस्थित हों। माननीय नीमा भगत जी निगम पार्षद गीता कॉलोनी व पूर्वी दिल्ली की प्रतिष्ठित समाज सेवी, मीडिया नई सुबह समूह की तरफ से अब तक के आपके राजनीतिक जीवन और सामाजिक कार्य कौशल प्रभावित होकर
आपको उत्कृष्ट शिखर अवार्ड देता है। अगला नाम है श्रीमती लता रानी शहरावत। लता रानी जी फाउंडर प्रेसिडेंट तेजस्वी नारी शक्ति बल युवा फाउंडेशन व दिल्ली की प्रतिष्ठित समाज सेवी, एमएनएस समूह की तरफ से अब तक के आपके सामाजिक कार्य कौशल से प्रभावित होने पर आपको उत्कृष्ट शिखर अवार्ड देने का निर्णय लिया। तालियों से बराबर सम्मान होता है। बहुत बहुत धन्यवाद। इसी कड़ी में अगला नाम है श्री भुनेश सैनी जी का। भुनेश जी कृपया मंच पर उपस्थित हो। समाज सेवा से जुड़ा हुआ एक प्रतिष्ठित नाम श्री भुवनेश सैनी जी का। इधर देखिएगा, इधर तालियों के सम्मान में कोई कमी ना रह जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। इस कड़ी में अगला नाम है श्रीमती सुमेधा शर्मा जी का। मैं निवेदन करूंगा कि वो मंच पर आए और अपना सम्मान ग्रहण करें। सुमेधा शर्मा जी सुमेधा शर्मा जी कवित्री हैं। अभी थोड़ी देर में उनकी कविता का रसपान भी हम लेंगे। सुमेधा शर्मा जी वीर रस की ओजस्वी कवि समूह अब तक के आपके कवि कार्य कौशल से प्रभावित होकर आपको उत्कृष्ट शिखर अवार्ड देते हुए खुद भी प्रसन्न और गौरवान्वित महसूस कर रहा है। धन्यवाद। इस कड़ी में अगला नाम है पंडित जोगिंदर भारद्वाज जी का। जोगिंदर भारद्वाज जी श्री भानु प्रताप जी के साथ जुड़े हुए हैं। उनके दाएं हाथ के रूप में समाज सेवा के कार्य में लगे रहते हैं। एक बार तालियों के साथ जोरदार स्वागत हो जाए। यहाँ देखिए सर, यहाँ पे इस श्रृंखला में अगला नाम है श्री संजय कुमार जी का। मैं निवेदन करूंगा कि मंच पर पधारें। संजय कुमार जी राष्ट्रीय महासचिव जी एकता फाउंडेशन व पूर्वी दिल्ली के प्रतिष्ठित समाज सेवी समूह अब तक के आपके सामाजिक कार्य कौशल से प्रभावित होकर आपको उत्कृष्ट शिखर अवार्ड देते हुए अत्यंत गौरव महसूस कर रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ देखिएगा, यहाँ पे तालियों से सम्मान में कोई कमी ना रह जाए। कड़ी में अगला नाम है श्री संदीप कपूर जी का। कृपया मंच की तरफ रुख करें। संदीप कपूर जी निगम पार्षद कृष्णा नगर व पूर्वी दिल्ली के प्रतिष्ठित समाज सेवी
समूह आपके राजनीतिक व सामाजिक कार्य कौशल से प्रभावित होकर आपको यह अवार्ड प्रदान करता है। बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत धन्यवाद। कड़ी में अगला नाम है सुश्री नीरा शर्मा जी का, कृपया मंच पर आए नीरा शर्मा जी। माननीय नीरा शर्मा जी चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं व उद्यम संबंधी उच्च सलाहकार। समूह अब तक के आपके अभिनय कार्य कौशल से प्रभावित होकर आपको उत्कर्ष शिखर अवार्ड देते हुए अत्यंत गौरव महसूस कर रहा है। नीरा जी के लिए जोरदार अभिनंदन तालियों से। कमी है ना आशीर्वाद की कमी है। बहुत बहुत धन्यवाद। इस श्रृंखला में अगला नाम है श्री विमल कुमार जी का, विमल कुमार जी कृपया मंच पर आए। विमल कुमार सक्सेना जी पार्टी लेस डेमोक्रेसी के समन्वयक और राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, पूर्वी दिल्ली के प्रतिष्ठित समाज सेवी हैं। समूह आपके सामाजिक कार्य कौशल जीवन से प्रभावित होकर आपको उत्कर्ष शिखर अवार्ड देते हुए अत्यंत गौरवान्वित महसूस कर रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। राकेश कुमार गुप्ता जी कृपया मंच पर आए। राकेश कुमार गुप्ता जी म्यूजिक डायरेक्टर आरसीएम ग्रुप का सफल उद्यमी। समूह अब तक के आपके उद्यम संबंधी कार्य कौशल से प्रभावित होकर उसका शिखर अवार्ड देते हुए खुद भी बहुत प्रसन्न महसूस कर रहा है और गौरवान्वित महसूस कर रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। श्री राज महाजन जी मोक्ष म्यूजिक से। श्री राज महाजन जी म्यूजिक डायरेक्टर मोक्ष म्यूजिक प्राइवेट लिमिटेड व दिल्ली के संगीत जगत के सरताज। समूह आपके संगीत कार्य कौशल से प्रभावित होकर आपको ये गौरव ये अवार्ड प्रदान करता है। बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस कड़ी में अगला नाम है श्री रविंद्र गुप्ता जी का, कृपया मंच की तरफ रुख करें। माननीय रविंद्र गुप्ता जी हरित मस्तिष्क से सुजित पर्यावरण के कुशल प्रहरी हैं। समूह अब तक के आपके पर्यावरण संरक्षण संबंधी कार्य कौशल से प्रभावित होकर आपको उत्कर्ष शिखर अवार्ड प्रदान करता है। बहुत बहुत बधाई। पर्यावरण संबंधी इस कार्य में आप निरंतर लगे रहें, हमारे लिए पर्यावरण बेहतर होता रहे ऐसी हम कामना करते हैं। सम्मान स्वरूप तालियों की कमी ना रह जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं निवेदन करूंगा भाजपा युवा नेता श्री जितेंद्र जी से मंच पर आएं और अपना सम्मान ग्रहण करें। समाज में अपने कौशल व हुनर से लोगों को लाभ पहुंचाते हुए श्री संजीव वर्मा जी, संजीव शर्मा जी जोरदार ताली बजा दो। देखिए इधर देखिए। मैं इस आयोजन की इस कड़ी को थोड़ा विराम देना चाहूंगा
बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ भानु प्रताप जी का कि सम्मान प्रदत्त किए लोगों को और उनका उत्साह बढ़ाया। बहुत आभार और बहुत बहुत धन्यवाद जी। जो विशिष्ट प्रतिभाएं हैं उनको देखकर हमारा उत्साह निश्चय बढ़ता है। मंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद, विधायक श्री अभय वर्मा जी का बहुत बहुत धन्यवाद। वीर सिंह, तुम वीर सिंह हसर को ठीक बुलाते हैं। थैंक यू जी। हंसराज जी, मैं बेस्टो गुरु के ऑनर शैलेंद्र चौहान जी से निवेदन करूंगा, वो ऊपर आए। गुरु के ऑनर है